नमस्कार, मैं हूं रामप्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर अक्सर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। इस समय जहां तमाम राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा में लगे हुए हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बढ़ चढ़ करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो तमाम दूसरे दल हैं वो भी अब अलग अलग तरीके से इस महापर्व को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी एक यात्रा का ऐलान किया है। ओम प्रकाश राजभर की ये जो यात्रा है वो इन सारी यात्राओं से बिल्कुल अलग है, उसके पीछे कई कारण भी हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस यात्रा के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, उसके पहले जरा आप ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सुन लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान, और आप लोग मिल करके बिहार में जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर करा करके ये साबित करिए कि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा देना चाहते हैं, इनकी भागीदारी देना चाहते हैं। जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने टीवी पर, अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्रित्व काल में भी माननीय नीतीश कुमार जी बार बार जातिवार जनगणना कराने का ऐलान करते रहे हैं और बताते रहे कि भाजपा बाधक बनती थी। अब तो भाजपा बाधक नहीं है, अब तो आपके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट ये लोग भी चाहते थे कि बिहार में जातिवार जनगणना हो, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि पूरे देश में जातिवार जनगणना हो ताकि इस देश में रहने वाली अहिर गड़ेरी, कुंडी कोयरी, भर चमार, मुसार, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बीनमला, जोड़ा, दुनिया, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उसके साथ समाजवादी पार्टी ने एक यात्रा और निकाली। 9 अगस्त क्रांति दिवस जिस दिन था उस दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत की गई। ये पदयात्रा जो है वो क्रांति दिवस के दिन शुरू हुई गाजीपुर की धरती से। समाजवादी पार्टी इस यात्रा के बहाने पूर्वांचल के जो ज़िले हैं उसमें अपनी स्थिति को तलाशने में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव जब हुए उस समय पर उसका ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन था, लोकसभा उपचुनाव जब हुए उसमें परिणाम बिल्कुल अलग आए। अब गठबंधन टूट चुका है, ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो अपने जो स्थिति है ज़मीन पर, जो उसकी स्थिति है इन पूर्वांचल के ज़िलों में, उसको वो आंक ले। इसी उद्देश्य से शायद इस यात्रा की शुरुआत हुई है। उधर अब यात्रा का जवाब यात्रा से देने की तैयारी में ओम प्रकाश राजभर ने भी एक यात्रा का ऐलान कर दिया है। इस यात्रा को वो सावधान यात्रा की के नाम से निकालने की बात कर रहे हैं। जो सावधान यात्रा है वो समाजवादी पार्टी के देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का जवाब होगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकाली जाएगी और साथ में इसका जो समापन है वो पटना के गांधी मैदान में होगा। यानी ओम प्रकाश राजभर अब पूर्वांचल के साथ साथ कहीं ना कहीं पटना की राजनीति में भी खुद को स्थापित करने के प्रयास में आगे बढ़ने लगे हैं। हमने जो आपको ऊपर बयान सुनवाया था वो बयान भी कुछ बिहार से ही रिलेट था। दरअसल
जाति जनगणना की जो मांग है वो तमाम सारे इस तरीके के दल लगातार करते आ रहे हैं, जो जातिगत राजनीति पर आधारित हैं ऐसे दल लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की भी बात होती है। इस अभी तक जब नीतीश कुमार जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था उससे जब सत्ता चल रही थी तो वो बार बार कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। ओम प्रकाश राजभर ने अब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, ऐसे में वो चाहते हैं कि अब बिहार में जाति जनगणना कराई जाए। जाति जनगणना की जो स्थितियां हैं, जो जाति जनगणना के चूंकि रास्ते अब वहां पर क्लियर हो चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, ऐसे में वो जाति जनगणना की शुरुआत बिहार से कर सकते हैं। साथ ही ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से तमाम जातियों के नाम गिनवाते हैं वो अपने इस वीडियो में भी जो गिनवा रहे थे, और दूसरा वो बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना जल्द से जल्द करा करके और समाज में जिस तरीके से इनकी संख्या है उसके हिसाब से इनको तमाम जो फल हैं, जो तमाम हिस्सेदारी है वो मिले, इसके लिए जिसके लिए पहले भी इस तरीके की बातें कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात ओम प्रकाश राजभर पहले भी कहते रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना जल्दी हो। दूसरा, बिहार चूंकि अब बिहार में इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है इसलिए बिहार से ये जनगणना की शुरुआत कराई जाए और फिर धीरे धीरे ये पूरे देश में जाति जनगणना हो और उसी के हिसाब से जातिगत संख्या बल के आधार पर वो जो समाज में उन जातियों की संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले, उनको प्राथमिकता दी जाए, ये बातें कही हैं इन्होंने। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अभी बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूटा, वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो स्थितियां बनी थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में नुकसान उठाना पड़ा, चूंकि अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन था, बावजूद इसके कि पश्चिम में अखिलेश यादव को बहुत सीटें नहीं मिल पाईं, पर जब पूर्वांचल का नंबर आया तो आजमगढ़ में सारी सीटें मिली, गाजीपुर मिला, अंबेडकर नगर, बलिया, तमाम जिले जो हैं वहाँ पे खूब ठीक से ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव रहा और वहाँ के चुनाव प्रभावित हुए, वो साफ साफ जो आंकड़े हैं वो अपने आप सारी स्थितियाँ बताते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की ये जो यात्रा है वो समाजवादी पार्टी की जो देश बचाओ देश बनाओ यात्रा है उसका जवाब मानी जा रही है, माना जा रहा है कि यात्रा का जवाब यात्रा से देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने इसकी शुरुआत की है। अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम यात्राएं हैं इस वक्त जो राजनीतिक दल निकाल रहे हैं उसमें से किसकी यात्रा को जनता कितना समर्थन देती है, किसकी यात्रा को जनता कितना पसंद करती है और साथ ही साथ किसके दावे और वादों के साथ जनता खुद को जोड़ पाती है और उस पार्टी का जनाधार मजबूत होता है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।